सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सारे का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज जनरल साइंस का पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर जा रहे हैं, जिसका नाम है बल अते दबाव फोर्स एंड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसी चैनल दे नवे हो, अज तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नू सबसक्राइब करो, तो इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हाई इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम वीडियो अच्छी लगे, वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं। टॉपिक है साडे को बल अते दाब फोर्स एंड प्रैशर, जिसका फस्ट क्वेश्चन है धक्के जां खिचा दे द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था विच परिवर्तन दियां दो उदाहरण दिओ। जिसका उत्तर है जी धक्के जां खिचा द्वारा गति विच परिवर्तन। सब तो पहला पॉइंट है, जदों असीं किसी बक्से नूं धक्कदे जां खिचदे हाँ तो उसकी गति की अवस्था विच परिवर्तन आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, जदों असी एक साइकल नूं धक्कदे हाँ जां खिचदे हाँ तो उस दी गति दी अवस्था बदल जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, अजिहियां दो उदाहरण दिओ जिन्हां विच लाए गए बल द्वारा वस्तु दी बनावट शकल विच परिवर्तन हो जावे। फस्ट पॉइंट है, एक प्लास्टिक दी बोतल नूं नप्पन ते उस दी बनावट जां शकल बदल जांदी है। गिल्ली मिट्टी ते बल लगाउण नाल उस दी शकल बदल जांदी है जां बदली जा सकदी है। गिल्ले आटे तो रोटी बनाउण समय बल लगाउण नाल शकल बदल जांदी है। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 3 है, खाली स्थान भरो। पहला प्रश्न है, खूह विच्चों पानी कढ़न समय रस्सी नूं डैश पैंदा है, रस्सी नूं खिचना पैंदा है। एक चार्जित वस्तु अनचार्जित वस्तु नूं खिचदी है। समान नाल लद्दी ट्राली नूं चलाउण दे लई सानूं खिचना पैंदा है। किसी चुंबक दा उत्तरी ध्रुव दूजे चालक दे उत्तरी ध्रुव नूं धक्कदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तीर अंदाज टीचे वल निशाना साधदी हुई अपना कमान नूं खिचदी है, फिर वह तीर नूं छड़दी है। जेड़े टीचे वल वधन लगदा है उस इस सूचना दे आधार ते हेठ लिखे कथना विच दित्ते गए शब्दों की वरतों करके खाली थावां भरो। कमान नूं खिचण दे लई तीर अंदाज एक बल लाउंदा है, जिस दे कारण इस दी डैश विच परिवर्तन हो जाता है, आकार दे विच परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, कमान नूं खिचण दे लई तीर अंदाज द्वारा लाया गया बल डैश बल का उदाहरण है, पेशी बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था विच परिवर्तन दे लई जिम्मेवार बल की किस्म डैश है, संपर्क बल की उदाहरण है। जदों तीर टीचे दे वल गति करता है तो उस ते उत्ते लगन वाले बल डैश अते हवा दे डैश दे कारण हुंदा है। गुरुत्वा आकर्षण अते रगड़ दे कारण, रगड़ बल दे कारण हुंदा है। नेक्स्ट प्रश्न है जी, हेठ लिखिए लिखियां हालतां विच बल लाउण वाले कारक अते जिस वस्तु उत्ते बल लग रहा है उन्हां नूं पछाणो। हर एक स्थिति विच जिस रूप विच बल दा प्रभाव विखाई दे रहा है उस नूं भी दसो। इसका फस्ट पार्ट है, रस कढ़न लई नींबू दे टुकड़िया नूं उंगलां नाल दबाना। इसका उत्तर है, उंगलां नाल नींबू ते बल लगदा है अते जूस निकलदा है। उस तो बाद अगला, दंद मंजन दी ट्यूब विच्चों पेस्ट बाहर कढ़ना उंगलां द्वारा
ट्यूब ते बल लगता है अते पेस्ट बाहर निकलती है। नैक्सट है दीवार विच लगी हुई हुक ते लटकते स्प्रिंग दे दूजे सिरे ते लटकते एक भार, भार स्प्रिंग नूं खिंचदा है अते स्प्रिंग वधदा है। नैक्सट है उच्ची छाल मारदे समय एक खिडारी द्वारा एक निश्चित उचाई ते रोक डंडे नूं पार करना। अथलीट लत्तां उत्ते पेशी बल लगा के रोक नूं पार करदा है, यानी कि डंडे नूं पार करदा है। नैक्सट प्रश्न है एक हथियार बनाउंदे समय एक कोई लोहार लोहे दे गर्म टुकड़े नूं हथौड़े नाल कुटदा है, कुटन दे कारण लगन वाला बल लोहे दे टुकड़े नूं किस तरह प्रभावित करदा है। इसका आंसर है कुटन दे कारण लोहे दा टुकड़ा अपना आकार बदल लैंदा है। नेक्स्ट प्रश्न है एक फुलाए हुए गुब्बारे नूं बनावटी कपड़े दे टुकड़े नाल रगड़ के दीवार उत्ते दबाया गया। यह वेख्या गया कि गुब्बारा दीवार दे नाल चिंबड़ जाता है। दीवार अते गुब्बारे दे विच खिंचन लई जिम्मेवार बल का नाम दसो। इसका उत्तर है जी स्थिर बिजलई बल। नैक्सट प्रश्न है तुसी अपने हाथ विच पानी नाल भरी एक प्लास्टिक दी बाल्टी नूं लटकाया होया है, बाल्टी उत्ते लगन वाले बल दा नाम दसो। सलाह मशवरा करो कि बाल्टी उत्ते लगन वाले बलों द्वारा इस दी गति दी अवस्था विच परिवर्तन क्यों नहीं हुंदा। इसका आंसर है साढ़े हाथ विच फड़ी हुई बाल्टी उत्ते गुरुत्वा बल हेठां बल अते पेशी बल उपर वल लग रहा है। बाल्टी इसलिए अपनी अवस्था नहीं बदल रही क्योंकि दोवें बल एक दूजे के बराबर अते उलट हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। नैक्सट है किस उपग्रह नूं सीधे पथ विच स्थापित करन लई किसी रॉकेट नूं उपर वल पर खेपित किया गया है। स्थापित मंच नूं छड्डन तो तुरंत बाद रॉकेट उत्ते लगन वाले दो बलों के नाम दसो। इसका उत्तर है रॉकेट उत्ते रॉकेट इंजन द्वारा उपर वल अते गुरुत्वा बल हेठा वल वल लगता है। अगला प्रश्न है जदों किसी ड्रॉपर की चुंज नूं पानी विच रख के इस दे बल्ब नूं दबांदे हाँ तां ड्रॉपर की हवा बुलबुलियां दे रूप विच बाहर निकलती हुई दिसदी है। बल्ब उत्ते दबाव हटाउण ते ड्रॉपर विच पानी भर जाता है, ड्रॉपर विच पानी चढ़न का कारण है पानी का दबाव। धरती की गुरुत्ता, रबड़ दे बल की आकृति, वायुमंडल दबाव। इसका राइट आंसर है जी वायुमंडल दबाव। उस तो बाद आ गए साढ़े को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है बल एक धक्का जा खिच है जो वस्तु की डैश बदलन विच सहायक है। इसका कि वस्तु की स्थिति बदलन विच, दिशा बदलन च, आकार बदलन च, सारे ऑप्शन है। नैक्सट प्रश्न है प्रति इकाई खेत्रफल दे लगाया गया बल डैश कहांदा है, उसनों कहा जाता जी दाब। प्रति इकाई खेत्रफल दे लगाया गया बल डैश अखवांदा है दाब अखवांदा है। चित्र विच दर्शाए अनुसार किस बिंदु ते दाब दा मान सब तो ज़्यादा है। तुसी देख रहे हो पिक्चर च एक बोटल है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो किस पॉइंट दे उपर जिहड़ा दाब सब तो ज़्यादा है। इसका आंसर है जी पॉइंट डी। ठीक है जी, डी पॉइंट सब तो नीचे है, सब तो ज़्यादा दबाव इस पॉइंट पे होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु उत्ते एक ही दिशा विच लगाए गए बल डैश जाते हैं। इसका आंसर है जी बल
जुड़ जाते हैं। नैक्सट प्रश्न है, गतिशील वस्तु ते लगाया गया बल गति की दिशा विच होवे तां वस्तु की चाल डैश हो जाती है, तो वस्तु की चाल वध जाती है। नैक्सट प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु ते लगाया गया बल गति की दिशा के उल्ट होवे तां वस्तु की चाल घट जाती है। इस आंसर आ गया जी, वस्तु की चाल घट जाती है। नैक्सट प्रश्न है, विराम अवस्था विच पई वस्तु की चाल डैश होवेगी। इस आंसर है जी, चाल सिफर होवेगी। नैक्सट प्रश्न है, पानी की बाल्टी नू चुकन समय केड़ा बल किरिया करता है। इसका ऑप्शन है जी, गुरुत्वा आकर्षण बल ते पेशी बल। गुरुत्वा आकर्षण बल ते पेशी बल। उस तो बाद है, फर्श ते रेड़ी गई गेंद कुछ दूरी तय करन तो बाद रुक जाती है। इसका कारण है जी, रगड़ बल ते कारण, रगड़ बल कारण गेंद जड़ी है रुक जाती है। नैक्सट प्रश्न है, एक छड़ चुंबक दा उत्तरी ध्रुव दूजे छड़ चुंबक दे उत्तरी ध्रुव नू आकर्षित करता है, अपकर्षित करता है। यह डैश बल दी उदाहरण है, यह असंपर्क बल दी उदाहरण है। नैक्सट, एक चार्जित वस्तु द्वारा दूसरी चार्जित या अनचार्जित वस्तुओं उत्ते लगाया गया बल डैश अखवांदा है। इसनों असी कहने जी स्थिर बिजली बल। अगला प्रश्न है, हाथ विच फड़े सिक्के नू छड्डन ते धरती वल डिगना शुरू कर दिंदा है, सिक्के उत्ते लग रहे बल नू डैश कहते हैं, गुरुत्वी बल। अगला प्रश्न है, कुल्ली भारी समान चुकन समय अपने सिर उत्ते कपड़े दा गोल लपेट उन क्यों रखते हैं। इस आंसर है, सिर ते समान दे संपर्क खेतर नू बदान लई। सिर दे समान दे संपर्क खेतर नू बदान दे लई ओ अपना सिर दे उपर कपड़े दा गोल लपेट रखते हैं। नैक्सट प्रश्न है, किस गुब्बारे विच हवा भरन ते ओह फुल क्यों जंदा है। इस आंसर है, क्योंकि हवा वर्तन दियाँ दीवारां ते दाब पांदियां हैं। क्योंकि हवा वर्तन दियाँ दीवारां ते दबाव पांदी है। अगला प्रश्न है, साढ़े आले दुआले दे वायुमंडली दाब कारण असी फिस क्यों जाते हाँ। इस आंसर है, क्योंकि साढ़े शरीर दे अंदरला दाब वायुमंडली दाब दे बराबर है। नैक्सट प्रश्न है, घरां विच पानी दियां टैंकियां नू छत उपर ऊंचाई ते क्यों रखा जाता है। इस आंसर है, क्योंकि पानी दे कॉलम दी ऊंचाई बढ़ जाती है। क्योंकि टूटियां विच पानी वध दाब नाल निकलता है। क्योंकि पानी दा दाब पानी दे कालम दी ऊंचाई ते सीधे अनुपाती हुंदा है। उपरोक्त सारे ही ऑप्शन जो असी रीड किते ना बिल्कुल ठीक है कि घरां विच पानी दियां टैंकियां नू छत उपर ऊंचाई ते क्यों रख्या जाता है, जिसका पॉइंट असी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि पानी दे कालम दी ऊंचाई बढ़ जाती है। क्योंकि टूटियां विच पानी वध दाब निकलता है। क्योंकि पानी दा दाब पानी दे कालम दी ऊंचाई दे सीधे अनुपाती हुंदा है। अगला प्रश्न है, दीवारां दी नी चौड़ी क्यों रखी जाती है। इस आंसर है, दीवार दे आधार ते लग रहे दाब नू घट करन दे लई। अगला प्रश्न है, हेठां दित्तियां विच संपर्क बल अते असंपर्क बल दी सही बंड दसो।
पहला पार्ट है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। चुंबकी बल रगड़ बल संपर्क बल विच आता है, पेशी बल गुरुत्वी बल ते स्थिर बल ये असंपर्क बल च आता है, गुरुत्वी बल स्थिर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी दे भरे गिलास उत्ते रखे कार्ड नू दबांदे हुए उल्टा करन ते हाथ हटान उपरांत भी कार्ड हेठा नहीं डिगदा, क्यों? इसका की कारण है? इसका कारण है कि कार्ड दी सतह उत्ते लग रहा वायुमंडली दाब उस नू डिगन नहीं दिंदा। कार्ड दी सतह उत्ते लग रहा वायुमंडली दाब उस नू डिगन नहीं दिंदा। अगला प्रश्न है पानी दी सप्लाई वाले पाइपां दे लीक करदे हुए जोड़ां विच्चों पानी बाहर क्यों निकलता है? इसका कारण है पानी द्वारा पाइप दीयां दीवारां ते लगाए गए दाब दे कारण। तो फ्रेंड्स अगर थानू वीडियो अच्छी लगी है वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना, अगर तुसी इस चैनल दे नवे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।